हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की खबर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 50 और 200 के नए नोटों के बारे में। दोस्तों, 50 और 200 के नए नोट जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार को देश में पहली बार 200 रुपए के नए नोट लॉन्च किए गए। इसके साथ ही 50 के नए नोट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। हालांकि पहले इसकी लॉन्चिंग तय नहीं थी, लेकिन 200 के नए नोटों के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन RBI दफ्तर के सामने लग गई। कई लोग सबसे पहले 200 का नोट लेना चाहते थे। ऐसे में जिन्हें ये नोट मिला, उन्होंने नए नोट दिखाकर अपनी खुशी दिखाई। RBI का कहना है कि अभी लोगों के पास नए नोट धीरे धीरे करके ही पहुंचेंगे, क्योंकि इसके लिए ATM रीसेट करने पड़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने गुरुवार को कहा था कि नए नोट जारी करने के पीछे मकसद बड़े नोटों का छुट्टा आसानी से उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों, RBI ने कहा कि चमक के साथ पीलेपन के लिए 200 रुपए के नोट विभिन्न मूल्यों वाले रेंडर सीरीज के करेंसी नोटों के बीच की खाई पाटेंगे। रेंडर सीरीज प्रसिद्ध संख्याओं के एक प्रसिद्धित है, जिसे फ्रांसीसी सेना ने एक डिजाइनर एक इंजीनियर चार्ल्स रेंडर ने पेश किया था। इंडस्ट्री और डिजाइनर में इस्तेमाल होने वाले रेंडर सीरीज को करेंसी नोट का मूल्य तय करने में उपयोगी साबित हुआ है। कई देश विभिन्न प्रकार के रेंडर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत अगली संख्या पहली संख्या को दुगना या ढाई गुना के बैंक नोट को कुछ टुकड़ों में बांटकर उसका खुदरा किया जा सकता है। RBI ने एक बयान में ये भी कहा कि ऐसे अनुपात की वजह से आमतौर पर अधिकतम 3 मूल्यों के नोटों से इस नोट का अदला बदली हो सकती है। भारत में हमारे पास 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 100, 500, 2000 रुपए के नोट हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब हमारे देश में 50 और 200 के नोट भी लॉन्च हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय।